हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी लैब कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी कल के दिन आपको शेयर कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेवल लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेवल लेना है, लाइक योर रोल, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम डॉक्टर रेड्डी कंपनी की बात करें, यहाँ पे तो फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग कितने में उसका हुआ था, 4437.95 के आसपास का जो क्लोजिंग हुआ था। एंड उस दिन अगर देखा जाए तो ये कितना 1.08% अभी तक पर, प्लस यहाँ पे देखा जाए तो कितना पर शेयर के पीछे कितना 47.35 रुपीज का इसे रिटर्न दिया था। जिसने भी ऑप्शंस में लेके कॉल में ट्रेड किया रहेगा, कॉल बाय करके, उसको डेफिनेटली उसको अच्छा खासा रिटर्न मिला ही रहेगा। बिकॉज शेयर जो लगातार 3 दिन से जो शेयर था अपसाइड ही जा रहा है, जिस तरीके से ये शेयर नीचे गिरा है ना, उस तरीके से अपसाइड भी जा रहा है। मंडे के दिन के जर्निंग्स कल के दिन इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये शेयर वापस जो इसका ओपनिंग जो है ग्रीन कैंडल में होगा, मीन्स अच्छा खासा उसका ओपनिंग होगा। आप इसमें कॉल बाय कर ट्रेड कर सकते हैं। और आपको तो पता ही कि डॉक्टर रेड्डी का जो लॉट साइज है वो 125 का है। क्यों? बिकॉज इसका करंट प्राइस देखिए 4000 के ऊपर है। जितना करंट प्राइस ज़्यादा रहता है उतना लॉट साइज कम रहता है। इसके कारण इसका 125 का इसका जो है लॉट साइज है मल्टीप्लाई, अगर आज मीन्स फ्राइडे का अगर 47 भी करें, फिर अगर लाइक 47 रुपीज़ भी रिटर्न देता पर शेयर के पीछे 125 लॉट साइज, तो ओवरऑल आपको कितना 5000 मीन्स 5875 रुपीज़ का आपको उससे रिटर्न दिया था फ्राइडे के दिन। जिसने भी उस दिन भी ट्रेड किया उसको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिला ही रहेगा। बिकॉज 4000 का शेयर डेफिनेटली 50 से 60 पॉइंट या फिर 150 के पॉइंट का जो मोमेंटम है वो होता ही होता है। अगर 100 से 150 पॉइंट का भी आपको अगर रिटर्न दे देता उतना भी, तो डेफिनेटली आपको 10000 के ऊपर से मीन्स आपको रिटर्न मिलेंगे ही इसमें। अच्छा खास पे ट्रेड कीजिएगा मंडे के दिन। कल के दिन की आपको बाइंग पोजीशन को बता देती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, आई थिंक सो पर चार्ट पर विजिबल होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए डॉक्टर रेड्डी का वन डे का कैंडल के जितने कैंडल्स हैं, वन डे के कैंडल्स पूरे बने हुए। मेन यहाँ पे एंट्री मैंने कितना 4450 का मेन यहाँ पे मैंने एंट्री लेवल में आपको दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज यहाँ से स्टॉक जितने बार भी देखा जाए, यहाँ से स्टॉक क्या है अपसाइड गया है। यहाँ पे अगर आप देखिए बहुत बार ऐसे जगह पे मैं मार्क करके दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से स्टॉक जो है अपसाइड गया है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये सर यहाँ पे इसके जाने के चांसेस हैं फिलहाल देखा जाए तो। यहाँ से स्टॉक क्या है अपसाइड गए हैं। वही सेकेंड चीज अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ से स्टॉक क्या है सी नीचे गिरा भी है, ऐसा नहीं कि अपसाइड गया, वहाँ से स्टॉक क्या नीचे गिरा भी है यहाँ पे अगर आप देखें तो। मेन इसका कारण कि शेयर जो है जितना गिरना था उतनी बार गिर चुका है यहाँ से, एंड अपसाइड इसके जाने के चांसेस आ गए हैं। बिकॉज लास्ट टाइम भी देखा जाए तो शेयर यहाँ से गिर चुका है, अब क्या स्टॉक वापस अपसाइड जा रहा है, मोमेंटम आपको इसमें मिल सकता है मंडे मीन्स कल के दिन। एंड मैंने जो इसका सपोर्ट है आपको जो मैंने दिया यहाँ पे 4291 का मेन सपोर्ट मैंने यहाँ पे दिया। बिकॉज स्टॉक जब गिरता है ना तो लास्ट लाख ये यहाँ तक गिरा था। देखिए कितने बार से सपोर्ट लिया है डे वाइज अगर आप देखा जाए तो, बहुत बार से सपोर्ट लिया है। एंड जब भी ये सपोर्ट तोड़ता है तो लास्ट लास्ट यहाँ तक जाता है, एंड यहाँ का अगर लेवल तोड़ता है तो लास्ट लास्ट यहाँ तक ये जाता ही जाता है। इसलिए मैंने मार्क करके दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको 4291 का आपको सपोर्ट लेवल लेना है। देन रेजिस्टेंस लेवल आपको कितने का लेना है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 4488 का। देन कितना रहेगा आपको सेकेंड जो आपका टारगेट रहेगा 45030 का रहेगा, मीन्स 4530 का आपका जो मेज आपका जो लास्ट जो है आपका टारगेट रहेगा। अगर आप लाइक थर्सडे के दिन होल्डिंग करते हो तो आपका लास्ट जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। ओके, देन आपका जो मिनिमम जो आपको टारगेट रखना है वो आपको रखना है कितना 88 का आपको रखना है, मीन्स 4488 का। ओके, तीनों ही चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।